हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ केले के छिलके की रेसिपी। हम केले तो खा लेते हैं बट छिलकों को फेंक देते हैं। मोस्टली लोगों को इसके बेनिफिट्स नहीं पता होंगे, तो आइए पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। केले के छिलके में पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, मेनली B6। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और भरपूर मात्रा में फाइबर भी होता है। इसके अलावा इसमें पाया जाता है पोटाशियम, मैग्नीशियम, जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, साथ में हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो पीले केले के छिलके होते हैं उसमें एंटी कैंसर गुण भी होता है, जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें एक और पदार्थ पाया जाता है जिसे कहते हैं सीरोटोनिन। ये इसे हैप्पी केमिकल भी बोला जाता है। ये हमें हैप्पी मूड में रखता है और डिप्रेशन दूर करने में हेल्प करता है। और इसमें एक और पदार्थ पाया जाता है डोपामिन। ये एक तरह का केमिकल है, ये हमारे ब्रेन के लिए मैसेंजर का काम करता है। ये हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल में रखता है, हमारी किडनीज तक ब्लड फ्लो को बनाए रखता है। और एक और पदार्थ इसमें पाया जाता है जिसे कहते हैं ट्रिप्टोफन। और ये एक तरह का अमीनो एसिड है जो हमें रात में अच्छी नींद लेने में हेल्प करता है। केले के छिलके की सब्जी बनाने के लिए ज़रूरी है कि केले के छिलके ऑर्गेनिक हो, फ्रेश हो, क्योंकि आजकल आप सभी लोगों को पता है कि केले पकाने के लिए केमिकल यूज़ किया जाता है जो बहुत हार्मफुल होते हैं। तो बेटर है कि अगर आपको ऑर्गेनिक केले बनाना मिले तो बेस्ट है। अगर फिर भी आप मार्केट से बाय कर रहे हैं तो आप कच्चे केले के छिलके की सब्जी बना सकते हैं, या फिर अगर पके हुए केले हैं तो उनको अच्छी तरह से वॉश कर ले। तो देखा आपने केले के छिलके के कितने फ़ायदे हैं, तो इनको फेंकना मत। आजकल तो बाहर की कंट्रीज़ भी इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, वो जैसे स्मूदी बना लेते हैं या फिर बॉयल करके खाते हैं। तो मैं आज आपको केले के छिलके की सब्जी बनाना सिखाऊंगी, बहुत ईजी बन जाती है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैंने 6 केले के छिलके लिए हैं। मैं पीले केले के छिलके की सब्जी बना रही हूँ। मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था छिलने से पहले। ये ऑर्गेनिक ही है और मैंने फिर इनको इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। इसको बनाने के लिए लेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून जीरा, साबुत जीरा, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम 1 पिंच हींग और इसको बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 पिंच हींग, फिर डालेंगे साबुत धनिया और साथ में डाल देंगे साबुत जीरा, फिर डाल देंगे लहसुन। लहसुन को गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। लहसुन हमारा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है, अब हम डालेंगे प्याज। प्याज को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, साथ में डाल देंगे धनिया पाउडर और डाल देंगे हल्दी। अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद डाल देंगे नमक और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे केले के छिलके और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको ढक के पकाएंगे एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए हमारे केले के छिलके की सब्जी अब पक के तैयार है, अच्छी तरह से पक गई है। तो ये हमारे केले के छिलके की सब्जी बनके तैयार है, बहुत ही हेल्दी डिश है ये। ये 2 लोगों के लिए बहुत है, आप इसको परांठे या फिर चपाती के साथ खा सकते हो, बहुत हेल्दी फूड है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।